पर नीचे क्रांति तक, जाती है, वो पटरी हाँ से उतर गया था नीचे ये उतर गया, अपना जम्मू जम्मू यार्ड में। में तो आधी गाड़ी तो बाहर रह गई, आधी गाड़ी आ रहा, उसकी वजह से सारी वो गाड़ी बीच में इस तरह से उतरी कि जो दो लाइनें ब्लॉक तो कर फिर गई। हम कितनी देर तक तो रुकना है यहाँ पे, मैडम विदाउट खाना पीना नाश्ता तक नहीं किया हम लोगों ने, गाड़ी हमारे साथ बच्चे हैं बूढ़े हैं। अभी बगल में गाड़ी निकला है ना, उसके बाद इसको चलाने का था, अभी कंट्रोल में हमने खुद कॉल करा है, वो 10 मिनट बोल रहे हैं, एक बार स्पीकर पे फिर बात करें। 10 मिनट मतलब कितना, देखिए ना आप यहाँ पे कितनी देर से हम लोग, जो हमको वहाँ से रिप्लाई दिया आया वही आपको सर के फोन में रेंज है तो आप 10 मिनट में हो जाएगा। नहीं 10 मिनट वो 1 घंटे पहले हुआ है उनका। नहीं 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 अभी जस्ट राइट डाउन कॉल, आप डायल करिए, मुझे बात करनी है उनके कंट्रोल रूम से। आप सर सर यार मेरे पास रेंज होती तो मैं कर लेती ना। आपका भी एक्टिव नहीं? नहीं हम बाहर से, हम पुणे से हैं हम लोग। मैडम ऐसा है यहाँ फिरोजपुर कंट्रोल उठा नहीं रहा हमारा फोन, फिर हमने नई दिल्ली कंट्रोल को कॉल करा, नई दिल्ली वाले कह रहे कि ये 10 मिनट बाद चलाएंगे, अब 10 मिनट उनका अब तक तो हुआ नहीं। नहीं 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 ये बहुत गलत है और हमें दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कुछ, मैं कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही हूँ ना किसी से। रुका था तो हमने नमकीन वगैरह ये लिया, हम खुद आपको, हमने तो वो तक नहीं खाया है सर। और अभी जो पेंट्री वाला आया था उसके पास भी सब कुछ खत्म खत्म हो गया ऑलरेडी, मेरी बात करवाए सर प्लीज। आगे की है वो जैसे जैसे थोड़ा सा क्लीन कर रहे हैं वो निकाले जा रहे हैं गाड़ियाँ, इसको ही मैडम देखो नहीं निकाल है तो उठाएंगे नहीं तो पैसेंजर को करना क्या है, पैदल चलना है। हेलो पैसेंजर, नमस्कार सर, नमस्कार सर, 1177 से जितेंद्र मीणा टीटी बोल रहा हूँ सर। अरे सर जी मैंने आपने सबको नंबर दे दिया, अब क्या करेंगे आज यहाँ, अब हमारे न्यूज वाले भी हमारे पास सर बैठे हैं यहाँ पे, आप तो हमारे डिस्कशन डिपार्टमेंट का वाला, आपको पता है ट्रेन हमें चला रही है। अरे सर वो बात नहीं, नहीं, मेरी बात करो, मेरी बात करो, पैसेंजरों ने हमको एसी में बंद कर रखा है, बात कीजिए। सुनिए सर जी, सुनिए सर, हेलो सर, सर 3 दिन से ट्रेवल कर रहे हैं, पुणे से स्टार्ट किया था, मेरे साथ 65 ईयर ओल्ड मम्मी है, छोटे बच्चे हैं, पूरा फैमिली जा रहा है जम्मू, और 9:30 का अगर टाइमिंग है, अभी 4 बज रहे हैं, हम पहुंचे ही नहीं, विदाउट खाना पीना और एसी भी नहीं है सर, कब पहुंचेंगे? मैम आगे डीरेलमेंट हो गई थी, इसकी वजह से लेट हो रखी है। नहीं नहीं हो रखी तो अब उसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल मैम सोल्यूशन हो गया। कब होगा, कब होगा सर? सर आप ऐसे 10 मिनट छोटा मोटा तसल्ली नहीं दो, हमें पक्का बताओ या फिर कोई ऑप्शन ढूंढना है हमारे लिए, वो तैयार करो ना आप लोग, सारे पैसेंजर इतनी धूप में जाएंगे कैसे? आपको मुझे 5 मिनट दीजिए, पक्का बताता हूँ। ओके सर, पैसेंजरों ने यहाँ देखो मैडम ये हाल है, हमको भी हमारे को बोलते हैं आप परेशान है ना, हम भी आपकी तरह परेशान है, और हमको तो अब ये गाड़ी को रात में बाप रे, ये ऐसे क्यों चलता है, ये झेलम के बारे में क्यों होता है, अभी वो वंदे भारत गई है साइड से, दूसरी गाड़ी गई है हम सफर, इसके बारे में क्या हो रहा है ये? जबकि हम तो ये गाड़ी हम राजधानी शताब्दी वंदे भारत गाड़ियाँ करते, इनमें कभी कभार आ जाते हैं तब वैसे हाल होते हैं। झेलम बहुत ही डेंजर गाड़ी करके रखा है इन लोगों ने, मतलब ट्रेन ये इन्होंने क्या कर रहा था मैडम, अभी जैसे इस जोन की गाड़ी है उनको सबको निकाल रहा है, और फिर ये इसको नहीं रोका कर, दूसरे जोन की गाड़ी है तो नहीं करेगा, करेगा लास्ट में देख रहा है इसको, जब भी तो उस गाड़ी को निकाल दिया, इसको नहीं रोका, और फिर पैसेंजर का क्या, उनके बारे में कौन सोचेगा? यही तो ये है, अगर वो अभी गई ना स्पेशल ट्रेन, हाँ? उसकी जगह इसको लेना था, क्योंकि ये वीक ये रेगुलर ट्रेन है, उसमें जनरेटर भी लगा हुआ है, ये घंटे 10 घंटे में होना, इसके साइबर क्राइम का जैसा पोर्टल है ना वैसा ट्रेन का भी पोर्टल बनाने को मोदी को बोलो आप। अरे करूंगी बट मेरे पास ये नहीं है ना भाई, इंटरनेट नहीं है अभी, कितनी कंप्लेंट होती है, सुबह से गाड़ी डरेलमेंट हुई है, कोई न्यूज में कोई नहीं दिखाएगा, ये ऐसी गवर्नमेंट है, इसकी अगर थोड़ी सी भी कमी है ना कोई न्यूज में नहीं दिखाता। हाँ, वो भी तो है, ऊपर से अगर मैडम ने छापा ना, मैडम के ऊपर ही प्रेशर आ जाए। नहीं, मैं किसी से डरती नहीं हूँ भाई, मैं पुणे में बहुत अच्छे से काम करती हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। यहाँ छापा ये जो हमारी गाड़ी यहाँ से विदाउट, क्योंकि स्टाफ शॉर्टेज की वजह से हो रहा है, ये जो भी काम हो रहा है स्टाफ शॉर्टेज की वजह से हो रहा है। कितना शॉर्टेज है स्टाफ का? 3 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है मैडम, और लोग वहाँ पे नौकरी को ले मर रहे हैं, मर रहे हैं, कर ही नहीं रहे, फिर क्या कर सकते हैं? अब ये इतनी गर्मी पड़ रही है बाहर, इस पे इस गाड़ी पे 4 आदमी है जो इसको चेक करने के लिए दिन में चाहिए, अब स्टाफ है, स्टाफ ही नहीं है यहाँ पे, पैंट्री नहीं है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, और लोग उनको क्या बोलने का कि स्टेशन से थोड़ा दूर आके रोको ना, फिर ऐसे बड़े स्टेशन पे इस गाड़ी में खाना पीना सब बनता था यहाँ पे, आजकल इन्होंने बोल दिया गाड़ी के अंदर कुछ मत बनाओ, हम देंगे तुमको बाहर से,
नहीं, पहले इसके अंदर सब बनता था, सब कुछ बनता था, बट अभी तो बहुत ही बुरा हाल है। बोला आग लगती है गैस सिलेंडर से। अरे इस गाड़ी में लगती है, कुछ नहीं लगता, तुम्हारी कमी की वजह से लगती है गाड़ी। जो ये स्टाफ शॉर्टेज है, ठीक से मेंटेनेंस होता नहीं है, वो ब्रेक लग जाते हैं उससे आग लग जाती है। तो भाई अभी दो पाँच मिनट बोला था ना, फिर से ट्राई करना है उनको। अब पक्का वो है जो अपना फोन ही नहीं उठाएगा। जितने आप परेशान हैं ना, तो हम चार लोग आए अभी चेकिंग में, हम उतना ही परेशान हैं। मैंने तो बोल दिया पैसेंजरों ने, मैंने इकट्ठा कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमको पूरी नाइट हमने काम करा, आज हमको सुबह सोना था पूरा दिन, अरे खाना वाना खाकर, लेकिन अब वापस भी इस गाड़ी को लेकर आना कैसे पॉसिबल हो पाए। परसों फिर हमारा ड्यूटी लगा रखा, कैसे करेंगे छुट्टी के लिए। मैं आपको ये वही तो OBHS स्टाफ है, अभी थोड़ा इसको रात को शायद और डिले कर दे, इसको डिले करेगा 6 घंटे अभी तो इसको। मानो हम कल दिल्ली उतरे 4 बजे, तो परसों हम सुबह 6 बजे गाड़ी फिर पकड़ेंगे। छुट्टी के नाम पे कोई छुट्टी नहीं दे रहे, पता नहीं क्यों नहीं दे रहे, जबकि लीव तो एक हमारा हक है। हम जब पूरा साल भर काम करते हैं, हमको गवर्नमेंट एक छुट्टी प्रोवाइड करती है, वो हमारी छुट्टियाँ ब्लॉक कर रखी है। वंदे भारत बुलेट ट्रेन वो खुद दिखाते हैं झंडा, और ये सर्वसामान्य नागरिक का किराया 1800 रुपये 1500 रुपये उसको प्रायोरिटी दे देते हैं दिल्ली तक, इन गाड़ियों को ब्रेक कर देते। बहुत गलत हो रहा है यार, फुल करप्शन। फिर लोग मोदी कर रहे हैं अभी, और देख रहे हैं हम तो 2016 के बाद से जाना किराया दे रहे हो ना, 57% सब्सिडी है, अभी आ जाएगी गवर्नमेंट 43% की सब्सिडी। अभी वंदे भारत जितनी रेल चला रही है ना, ये जैसे इलेक्शन जीतेंगे सब प्राइवेट हो जाना है, प्राइवेट होनी है, करते रहो कंपनी। इसीलिए जब तक उनको पहले बार ये तो मिल रही है, हम लोग कैसे टूरिस्ट के लिए आते हैं, तो हमारा एक दिन गया ना इधर, आपका तो ठीक आप जाते आते हो, हमारा तो टूरिस्ट हमारा तो पूरा गया ना। पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था ना, हम लोग गोवा में फंस गए थे, कैसे कैसे हम लोग आए बिना हमारे पैसे से, गवर्नमेंट ने नहीं बुलाया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, सब कुछ कर दिया, कोई प्रोवाइड नहीं करा। हम लोग 4 लोग फंस गए वहाँ पर, कैसे इंजनों में आ रहे हैं, ना स्टेशन पे पानी मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। हम भी आपकी तरह जो चीजें फेस करते हैं ना ट्रेन के अंदर, वो हम भी फेस करते हैं। अभी गार्ड ड्राइवर के पास वॉकी टॉकी होता है, इनकी कनेक्टिविटी रहती है, अब इनको पता है कंट्रोल को कि ये पब्लिक के बीच में डील कर रहे हैं, नहीं उठाते फोन कंप्लेंट के चक्कर में। नुकसान तो फिर भी पैसेंजर का है ना सर, आप तो फिर भी कंप्लेंट कर सकते हो, हम तो कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, हम तो इसलिए एम्प्लॉई हम कंप्लेंट नहीं कर सकते, सिर्फ हमको बोल सकते हैं सर। प्लीज एक बार ट्राई करते हैं ना उनको, मुझे पता तो चले भाई है नहीं। अच्छा यहाँ से कोई ओला उबेर ऐसा कुछ मिल सकता है क्या? हम तो नहीं मालूम, हम तो नहीं मिल सकता। जैसे आपका फोन बंद है ना, वैसे हमारा फोन हमारा भी क्योंकि हमारा भी दिल्ली का सिम है, मेरा खुद का मोबाइल बंद पड़ा। ये तो ये सरकारी नंबर है, ये सरकारी चल रहा है। हाँ जी चल रहा है। तो यहाँ से कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जम्मू जाने के लिए? वो खिलाफ नहीं है, वो तो बता सकता है, हम भी सलवार के हैं। सारी गाड़ियों के लगे हुए हैं। मेरे को एक ही जवाब दिया था, भाई साहब आपने कहाँ कहाँ नंबर दे दिए, वो यही बोल रहा था, आपको पता तो है रेल कैसे चलती है, यही बोल रहा था मेरे को। आप बोल गई जो आपसे ठीक से बात, अभी आप आए, आपसे पहले भी पब्लिक आए थे हमारे पास, और भी पैसेंजर आए, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमने भी नंबर दे दिया। 139 पे भी उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ये दबाओ वो दबाओ, और एसी वाला, अरे एसी वाला प्रॉब्लम है ही नहीं, गाड़ी चलनी चाहिए ना। हम ये भी एक्चुअल वो पोजीशन नहीं बता रहे बैठे हैं इसके अंदर, गाड़ी एसी के अंदर अब कितने घंटे से डे वो चल रहा है, अब वो बैटरी डिस हो गई। अगर उस गाड़ी को रोक देते, उस गाड़ी में जनरेटर है, एसी चलता रहता उसमें 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, इसको रोक के रखा है, इसमें जनरेटर नहीं है गाड़ी में, पुराने रह के इसमें, इसको रोकने का कोई फायदा ही नहीं था, पर उस गाड़ी को भेज दिया। ये स्टेशन मास्टर डिसाइड करता है क्या? ये स्टेशन मास्टर भी डिसाइड करता है, पर जो आगे बैठा है कंट्रोलर होता है, वो चलाता है गाड़ी, चलाता है। बट ये क्या मेंटेलिटी है, जो लोग लंबा ट्रैवलिंग वाला है ना, ये तो लंबा रूट से आ रहा है ना, ये वो ये है कि पहले अपने को लेते हैं, ये स्टेशन की गाड़ी है तो उनको तो पहले ले रहा है, ये बाहर की गाड़ी है, इसको तो लेट कर दे भाई, हो गई तो लेट और कर दे। सेंट्रलाइज बोलते हैं ना अभी गवर्नमेंट, सेंट्रलाइज है सब बोलते हैं, तो ऐसा कुछ ऐसा करना ही नहीं चाहिए फिर, जोन वाला फिर क्या, जब तो वंदे भारत स्पेशल ट्रेन सबको ले लिए,
यूनिफॉर्म लॉ वगैरह यूनिफॉर्म जो चलता है ना, तो इस पर भी यूनिफॉर्म अप्लाई करो ना, सभी को एक ही ट्रीटमेंट दे दो। नॉर्थ साउथ ऐसे क्या है? हम और आप बैठ कर से भी डिस्कशन कर सकते हैं। क्या फायदा है इससे, क्या फायदा है ये सॉल्व होना चाहिए। अभी मैं यूट्यूब पे देख रहा था, पुनेरी आवाज पुणे के लिए अभी मैं यूट्यूब पर बैठ के देख रहा था आगे का पोजीशन क्या है, शायद न्यूज पर आ रहा हूँ मैं, उसमें भी नहीं दिखा रहा। नहीं दिखाएंगे वो, क्योंकि अभी तक पहुँचा ही नहीं होगा न्यूज वहाँ पे। पहुँच गया मैडम, इतना तो पता है, जितनी पब्लिक कम्प्लेन कर रही है। अरे वही है ना भाई, सबके साथ किसी का रेंज नहीं है ना, ये तो कब का अभी वो डायर सिटी से कोई करने वाली थी, बट नहीं है। कईयों का पोस्टपेड कनेक्शन चलता है, प्रीपेड कनेक्शन। प्लीज एक बार ट्राई कीजिए सर। पुणेरी आवाज एक्चुअली मी पण पुण्यातच आहे। अच्छा, म्हणजे वेबसाईट आहे का? हा वेबसाईट पण पुणेरी आवाज। यस यस यस। अगर गाड़ी खड़ी करना था किसी बड़े स्टेशन पे रोक दिया, यहाँ पे फैसिलिटी तक नहीं है सर, पानी तक नहीं है, कुछ नहीं। मैं वहाँ तक देख कर आया। देखो किसान आंदोलन में हमारी गाड़ी रोकी थी मैडम, किसानों ने इतनी अच्छी व्यवस्था की, खाना पीना छोटे बच्चे बीच में रोक दी थी, सब कुछ व्यवस्था। उन्होंने रेल के भरोसे छोड़े नहीं, वो खुद ही पैसेंजरों के लिए खाना लिया है, हमारे लिए लिया है, पानी की व्यवस्था सब कुछ करा उन्होंने। उन्होंने नॉर्मल पब्लिक को परेशान नहीं करा। मतलब लोगों को ऐसे सड़ने दो, तभी तो मैं मानूं से आप हमारे पास हैं, तो हमारे को भी ये लोग वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे नहीं पा रहे कि हम आगे प्रोवाइड करें उस चीज़ को, कि बताएं कि ऐसी चीज। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, पैसेंजर क्या कर सकते हैं? मैम देखिए, मैं क्या बताऊँ आपको, नहीं आप कुछ नहीं बताओगे, लेकिन वो मे भी हो सकता है जल्दी चला दें इसको। जो गाड़ी दिल्ली गई आधे घंटे लेट हो चुकी थी सर, क्या दिल्ली जब पहुंचा था हाफ एन आवर लेट था, ज़्यादा लेट नहीं था गाड़ी, वो तो सुबह कवर हो जाती। तो आप लोग भी तो बातें नहीं करते हो ना, ये सब पहुँचाने के लिए हेल्प करना चाहिए आप लोगों को। मैडम आप क्या करें, नहीं आप एम्प्लॉय हो, आप आओगे नहीं कैमरे के सामने, बात नहीं करोगे? मैं तो करने के लिए तैयार हूँ, निकाल देंगे, दो महीने घर पे बैठा देंगे, क्या करेंगे? नहीं, पर लोगों के लिए तो अच्छा होगा ना सर, लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, जब मेरे साथ ही बुरा होगा, मैं भी तो अपने बीवी बच्चों के ऐसे सेल्फ ये करते बैठेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी सर। अगर मैं कैमरे के सामने आया तो दूसरा कंट्रोल के से या ऊपर अधिकारी का इनके पास फोन आएगा, वो ये मेरे को बोले बट यार ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी नहीं मांगती है आप लोगों की, होना चाहिए ना, मांगती है मैडम, लेकिन हम कैमरा फेस कैसे कर लेंगे? यही तो मतलब आप बात नहीं करोगे, कंट्रोल वाला बात नहीं करेगा, वो बंदा तो फोन नहीं उठा रहा है और सड़ेगी बेचारी पैसेंजर लोग। एक हमारा काम जो होता है, हम आपका जो शिकायत है वो आगे तक फॉरवर्ड कर सकते हैं, कुछ और दिक्कत हो वो कर सकते हैं, डॉक्टर की जरूरत है वो कर सकते हैं, चेकिंग के में कोई हेल्प कर सकते हैं, कोई अनऑथराइज पैसेंजर चढ़ रहा तो हेल्प कर सकते। अभी खाना चाहिए हमें, कहाँ से दिलाओगे भाई? ये रेल है, इसमें एक पेड़ की तरह अलग अलग शाखाएं होती है ना, तो सबका अलग अलग काम है। अभी पानी चाहिए ठंडा और खाना चाहिए, मेरी मम्मी को दवाई लेनी है, आपके सामने क्या करोगे? बच्चे भी इवन ट्रेन के अंदर चल रहे हैं, वो भी प्यासे, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, और वो ऐसे पसीने वाली धाराएं आ रही है उधर से। ये इधर सामने पेड़ के नीचे हमारे दो चेकिंग स्टाफ बैठे हुए, हार्ट का ऑपरेशन हो रखा है, मेरे मम्मी का भी सेम हालत है, इनका भी। वो सर ये आगे पेड़ के नीचे बैठे हैं, अंदर इनको एक करना सब से सफोकेशन हो रहा था, रिटायरमेंट के करीब है दोनों के दोनों, बाहर बैठे हैं, क्या करें? और बड़ा विश्वास करके लोग आते हैं भाई, इंडियन रेलवे लेके पहुंचाएगा डेस्टिनेशन पे। कुछ ज्यादा बुरा हाल हो गया पहले से, तो सर पहले स्टाफ है जो सारा सरकारी गाड़ी के अंदर चलता है, ये सफाई इन्होंने कम कर दिया, इनको 18-19 हज़ार रुपए इनका पास है, ठेकेदारों के थ्रू है, आधा पैसा खा जाता है, 8,000-9,000 रुपये देता है। अब इनकी कंप्लेन कर दो, कुछ कर दो, ये बोलेंगे 8,000-9,000 में दूसरा जॉब मिल जाएगा। ये बाहर के देशों में जाते हैं ना अपने नेता लोग, तो बाहर के देशों में जाके ये सीखना चाहिए कि उनका ट्रेन का फैसिलिटी कैसा है, इधर कैसा है, इधर के जो नेता जाते हैं, सुधारना कराई नहीं है सर। मैं आपको कह रहा हूँ, जो ये बुलेट चला रहे हैं, वंदे भारत चला रहे हैं, और भी बड़ी ट्रेनें चला रहे हैं, वो चलाने से अच्छा यही चीजें बेटर कर दे, इम्प्रूव कर दे, लाइन बेटर कर दे, उसमें पैसा लगाते।
तो कोई बिजनेस में ना जा सकते हैं। इवन पुणे में उन्होंने मेट्रो लगाया, उस मेट्रो का कुछ भी उपयोग नहीं है। हाँ। उसके लिए राज्य ने इतना पैसा खर्च किया है, कुछ उपयोग नहीं मेट्रो का, कुछ सारा प्राइवेटाइजेशन है ना, इसलिए कर रहे हैं। नुकसान इतना किया है लोगों का, ये सब इनकन्वीनियंस किया है सब। रस्ते पे गाड़ी आई गई है, रेल ब्रिज बनाया चेनाब के ऊपर, वो तो ठीक है जरा ये है, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं करते। मेन मुद्दों से हट के दूसरे, फिर से एक बार ट्राई करते हैं प्लीज, पता तो चले। वाईफाई देता हूँ मैडम। हाँ प्लीज 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 प्लीज, वो बेटर रहेगा, कनेक्ट कर लीजिए। यस यस।